Hello friends, as we know about the techniques of capital budgeting, now today we are going to discuss different methods of capital budgeting. Which are they? Let's see. Appraisal methods mein humne dekha tha ki sab payback period method hai, accounting rate of return method hai, net present value method hai, profitability index method hai, internal rate of return method hai, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड रहेगा एंड टर्मिनल वैल्यू मेथड रहेगा. सर ये सारी की सारी मेथड्स है क्या एक्चुअल में? तो वन बाय वन हम वो सारी की सारी टेक्निक्स और मेथड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. उसमें सबसे पहले हम लेंगे पेबैक पीरियड. पेबैक पीरियड का मतलब क्या होगा? सर कंपनी ने या फर्म ने जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया होगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसको कितने टाइम पीरियड में वो पैसा वापस मिलेगा? पेबैक मतलब मैंने जो पे किया है वो मुझे कितने टाइम पीरियड में बैक मिलेगा, वापस मिलने वाला है, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं. इट इज टू बी नोन एज पेबैक पीरियड. इफ अगर पेबैक पीरियड आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं और आपको कैश फ्लो दिया गया है, अगर वो कैश फ्लो आपका यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब होगा इक्वल है, एवरी ईयर यू आर गेटिंग इक्वल कैश फ्लो. माय डियर फ्रेंड्स, कीप इट इन अ माइंड, आपको यहाँ पे खाली कैश फ्लो के साथ डील करना है, प्रॉफिट के साथ नहीं. यहाँ पे आपको कैश फ्लो के साथ डील करना है, कैश फ्लो कैश फ्लो कैश फ्लो, प्रॉफिट को आपको ध्यान में लेना नहीं है. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको यूनिफॉर्म कैश फ्लो दिया है तो आपका सिंपल पेबैक पीरियड रहेगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, तो आपको मिल जाएगा सिंपल पेबैक पीरियड. सर अगर कैश फ्लो हमें सेम नहीं दिया है, अलग अलग दिया है, तो क्या होगा? तो सर हमें यहाँ पे क्यूमुलेटिव मेथड यूज़ करनी पड़ेगी. वो किस तरह से वर्क करती है, लेट्स सी. इलस्ट्रेशन हमें यहाँ पे दिए हैं, दो इलस्ट्रेशन हम देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे किस तरह से आप कैश फ्लो को वर्क कर सकते हैं, मतलब पेबैक पीरियड को फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर वन, अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन आउटले ऑफ ₹50,000 यील्ड एन एनुअल कैश इनफ्लो ऑफ ₹12,500 फॉर 7 ईयर्स. माई डियर फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्लियर कट बोला गया है कि आप अगर 50,000 का आउटले, आउटले का मतलब होगा आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, ₹50,000 है, एंड यील्ड्स ऑन एन एनुअल इनफ्लो. इसका मतलब ये होगा कि आपको एवरी ईयर इनफ्लो कितना मिलने वाला है ये प्रोजेक्ट के ऊपर, 12,500 फॉर 7 ईयर्स, 7 साल तक आपको मिलने वाला है. फाइंड आउट द पेबैक पीरियड. अब सर सिंपल सी बात है, अगर मैं 12,500 इंटू 7 करूँ तो मैं 80,000 के ऊपर ही अर्न कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है. लेकिन यहाँ पे मुझे तो 50,000 ही कवर करना है, तो सर ये 50,000 कवर करने में मुझे कितना टाइम लगेगा? तो सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मेरा इन्वेस्टमेंट है 50,000 डिवाइड बाई 12,500 आई एम गेटिंग एवरी ईयर, तो 50,000 डिवाइड बाई 12,500 करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा पेबैक पीरियड मिल जाएगा विच इज़ 4 ईयर्स. नाउ फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं कि सर हमें अलग अलग अगर कैश फ्लो दिया है तो क्या होगा. अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स अ कैश आउटले ऑफ ₹20,000 एंड जनरेट्स कैश इनफ्लो ऑफ ₹8,000 7,000 4,000 एंड 3,000 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 4 ईयर्स. फाइंड आउट द पे बैक पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट. सर मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो करना पड़ेगा. कब तक करूँगा सर? मेरा जब तक 20,000 कवर नहीं होता तब तक. फाइन इनफ, देखते हैं सर 20,000 का मेरा आउटले है, 8,000 रुपये तो मुझे पहले साल में मिल जाते हैं, दूसरे साल में मुझे मिल रहा है 7,000, सर थर्ड ईयर में हमें मिल रहा है 4,000 और चौथे साल में हमें मिल रहा है 3,000. तो सर मैं टोटल करूंगा तो पहले साल का 8+7+4, तो सर मेरा 3 साल में ही 19,000 कवर हो रहा है, मतलब मेरा 20,000 तो कवर हो ही नहीं रहा है. इट मीन्स दैट कि भाई मुझे यहाँ पे मिनिमम 3 साल तक का पीरियड तो लगने ही वाला है, 3 साल के ऊपर कितना लगेगा वो हमें चेक करना है. नाउ हाउ मच आई रिक्वायर्ड, सर 20,000 में से 19,000 तो मेरे कवर हो गए, मतलब बचा कितना 1,000. ओके, अगर ये 3,000 अर्न करने में अगर मुझे पूरा साल लगने वाला है तो 1,000 अर्न करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, मतलब ये सर 3 ईयर्स तो आपके कंप्लीट ही है, तो 3 ईयर्स प्लस 1,000 डिवाइड बाय 3,000 हम करेंगे ताकि हमें क्या मिल सके, हमारा ईयर मिल सके. और अगर सर मैं इसको मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हम इंटू 12 कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा 4 मंथ्स. ये आप देख सकते हैं 1,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 3,000 इज इक्वल टू 4 मंथ्स, मतलब मेरा जो टाइम पीरियड लगने वाला है वो कितना है, 3 ईयर्स एंड 4 मंथ्स. आई होप सो माई डियर फ्रेंड्स कि आपको ये मेथड समझ में आ गई होगी. और सर पेबैक पीरियड जितना आपका कम है उतना ही आपका रिवॉर्ड ज़्यादा, मतलब आप उतना ही पैसा जल्दी रिकवर कर सकते हैं. तो जितना हम पैसा ज़्यादा रिकवर कर सके, जितना जल्दी रिकवर कर सके वो हमारे लिए बेटर होगा. आई होप सो कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.